नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सोनकर फिर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि यहाँ पे हम आपको मैथ की एकदम बेहतरीन क्लास दे रहे हैं और आपके सामने यूपी टेट की परीक्षा लगी हुई है और उसी की तैयारी देखिए हम करवा रहे हैं। तो इस समय हम आपको परसेंटेज में आगे के सवाल बताते हैं, यानी जो सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं वो सारे सवाल देखिए हम यहाँ पे कवर करवा रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर होते चले, ताकि एग्जाम के समय आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए स्क्रीन पर हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, प्रारंभिक भिन्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, प्रारंभिक भिन्न है। तो यहाँ पे देखिए हम एक चीज जानते हैं कि किसी भी चीज का हम परसेंटेज हम निकालते हैं तो 100% में निकालते हैं, तो यहां भी हम 100 मानेंगे। यानी अंश को देखिए हम ऊपर वाला भाग कहते हैं और हर को क्या कहते हैं, नीचे वाला भाग। तो हमने 100-100 मान लिया। अब कह रहा अंश में 20% की वृद्धि, तो 100 में आप क्या करिए 20 को जोड़ दीजिए और हर में 5% की कमी, तो हर में से 5 हम घटा देते हैं, तो नई भिन्न का मान प्राप्त हो रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है, 5/2। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 5/2। अब देखिए यहां पे आपका क्या आ जाएगा, 120/95 = 5/2। ये देखिए आपका किससे कटेगा, किसी संख्या से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 × 2 = 10 और 5 × 4 = 20 और 5 × 1 = 5, 5 × 9 = 45। यानी आपका कितना निकल के आया, निकल के आया 24/19। तो 24/19 = क्या है, 5/2। आपसे क्या पूछ रहा, प्रारंभिक भिन्न, ये तो नई भिन्न आई है तो इसका गुणा इसमें कर दीजिए और इसका गुणा इसमें कर दीजिए। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 19 × 5 क्या आ जाएगा, 95 और 24 × 2 क्या आ जाएगा, 48। यानी प्रारंभिक भिन्न का मान कितना हो जाएगा, 95/48। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी मेथड है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस अंश और हर की बात करेगा तो अंश में अगर वृद्धि की बात करेगा तो 100 में जोड़ दीजिएगा, अगर कमी की बात करेगा तो 100 से घटा दीजिएगा, उसके बाद जो नई भिन्न प्राप्त होगी सामने लिख दीजिएगा, काटने के बाद जो आएगा उसका तिरछा गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए हम और करवाते हैं, अभी देखिए ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि अब की बार अगर आए तो आपका गलत ना हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप के। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक बार फिर आप समझिए, अभी आपको देखिए क्लियर हो जाएगा। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, तो हमने 100 माना है, अंश की बात कर रहा है तो 120 हो गया, यानी 120 हो गया। फिर कह रहा हर में 20% की कमी, तो 100 में से जब 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 80। उसके बाद नया भिन्न कितना प्राप्त हो रहा है, 4/5, तो हमने लिख दिया 4/5। 0 से 0 कट गया, फिर आपका 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, यानी 3/2 = 4/5, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, यानी 4 × 2 = 8 हो जाएगा और 5 × 3 = 15, यानी 8/15, यही आपकी प्रारंभिक भिन्न प्राप्त हो जाएगी। देखिए यहां पर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए गलत कहां करके आप अगर आएंगे तो आएंगे, यहां जो आपका गुणा करना होगा इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी ये जो भिन्न रहती है इसी में आप गुणा करेंगे, तो ये ना करिएगा कि इसका गुणा इसमें कर दें और इसका गुणा इसमें कर दें, ये करेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा तुरंत गलत हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें, यानी 4 × 2 = 8, 5 × 3 = 15, यही आपका आंसर निकल जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन देखिए आपके सुपर टेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, ध्यान से देखते रहिए, इसका भी सॉल्यूशन बहुत ही आसान होने वाला है। कह रहा है यदि किसी संख्या का
20% 120 हो तो उस संख्या का 120% होगा, यानी उस संख्या का 120% होगा। संख्या हमको नहीं पता है तो संख्या को मान लेते हैं यक्ष, यक्ष का 20% दिया हुआ है कितना 120, तो बराबर कर देते हैं 120। अब देखिए यहाँ पे जब परसेंटेज है तो हमको मान निकालना है एक्स का, तो इसको हम हटा देते हैं और बटे क्या कर देते हैं 100। अब देखिए ये 20 21 20 25 100, यानी एक्स बटा 5 बराबर 120, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 5 का गुणा इधर हो जाएगा, यानी 120 गुणे 5 12 5 60, यानी संख्या आपको प्राप्त हो गई कितनी आ गई 600। अब कह रहा उस संख्या का 120% होगा, यानी जो संख्या निकल के आई है इसी का 120% निकाल दीजिए, तो 600 का 120%, यानी 120% का मतलब क्या होगा, 120 बटा 100, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, 12 6 72, यानी जीरो, यानी आंसर कितना आ जाएगा 720, यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बस आपको एक बार समझने की जरूरत है, यहाँ पे जो जो कह रहा था हम उस तरीके से पहले संख्या निकाल दिए, उसके बाद संख्या का 120% निकाल दिए, कितना आ गया 720 आ गया। एक क्वेश्चन देखिए हम और इस पे करवाते हैं, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन देखिए उसी टाइप का है, कह रहा है एक संख्या का 51% 714 है, इस संख्या का 39% होगा। तो सबसे पहले हम संख्या निकाल देते हैं, x मान लेते हैं, इसका 51% आपको कितना दिया हुआ 714, तो 51% यानी परसेंट हटाइए नीचे आप सबसे भाग दीजिए 714। अब देखिए यहां पर क्या होगा, इससे तो ये नहीं कटेगा, लेकिन आपका ये सामने वाला कटेगा, यानी 51 का पहाड़ा अगर आप पढ़ेंगे कितनी बार 14 बार, तो ये आपका क्या हो जाएगा 14 बार में पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पे आपका यक्स बटा 100 आया और इधर क्या निकल के आया 14 आया, तो 100 का गुणा जब 14 में करेंगे यानी आपके पास कितना हो जाएगा 1400, यानी संख्या निकल के आ गई 1400। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनाया है वो क्या कह रहा है, इस संख्या का 39% होगा, तो भैया इस संख्या का 39% निकाल दीजिए, इस संख्या का जब दोस्तों 39% निकालेंगे तो क्या आएगा 39, यानी 1400 गुणे 39 बटा 100, जीरो से दो जीरो, जो दो जीरो कट जाएगा, 14 गुणे 39 कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 14 9 126, हासिल कितना आ गया 12 आ गया, 14 3 42, 42 और 12 आपका कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, यानी 546, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आप ना घबराइए, जितना भी टाइप के क्वेश्चन हम करवाएंगे बहुत ही आसान तरीके से आपको करवाएंगे, बस ध्यान से आप वीडियो देखिए और एक एक पॉइंट को आप देखते जाइए कि कहां से हमको क्या करना है। अब आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अब देखिए हम अगले टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है ये देखिए चुनाव पे आधारित क्वेश्चन है, यानी चुनाव पे आधारित क्वेश्चन की जब बात आती है तो देखिए बहुत से सारे प्रत्याशी आपके खड़े होते हैं चुनाव में, लेकिन लास्ट में जो फैसला होता है वो देखिए दो प्रत्याशियों के बीच होता है, तो उसी टाइप का देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम टोटल वोट निकालते हैं और या जीतने या हारने वाले प्रत्याशी के वोट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए बात कर रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन इस तरीके से आपका एग्जाम में बनाता है, कह रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ, कुल मतों की संख्या होगी। देखिए यहाँ पर हम एक चीज जानते हैं पहले से ही कि किसी भी चीज का परसेंटेज अगर हम निकालते हैं तो 100% मान के निकालते हैं, तो हमने कितना मान लिया 100%। अब देखिए जीतने वाले प्रत्याशी को कितना परसेंट मत प्राप्त हो रहा है, कितना परसेंट प्राप्त हो रहा है जीतने वाले को 60%, तो भैया हारने वाले को भी तो प्राप्त होगा, तो 60 तो जीतने वाला ले गया, तो हारने वाला कितना पाया, हारने वाला कितना पा गया 40%, क्योंकि टोटल कितना परसेंट है 100%। इतनी चीज आपकी क्लियर हो गई। फिर कह रहा है कि प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ, तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि जीतने वाला 60% पा रहा है और हारने वाला 40% पा रहा है, और इन दोनों के बीच कितने परसेंट का डिफरेंस है,
कितने परसेंट का डिफरेंस है? 20% का डिफरेंस है। और यहाँ पे कितने ओड का डिफरेंस है? 14,000 ओड का डिफरेंस है। तो यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी 20% बराबर 14,000, तो क्या कर दीजिए, 14,000/20, यानी 14,000/20 जब करेंगे तो आपका 1% का मान कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 से 0 नहीं 700 आ गया। आपसे कितना कह रहा, कुल मतों की संख्या, तो कुल मत के लिए हमने कितना माना है, 100 माना है, तो क्या कर दीजिए, यहां से 100 का गुणा कर दीजिए, 700 गुणे जब 100 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पे 20 ये 20 ये, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 70,000 टोटल वोट पड़े हैं, जिसमें से दोनों का जो डिफरेंस था वो 14,000 का था। तो कुल मत की बात किया तो कुल कितने मत प्राप्त हो गए, 70,000 मत प्राप्त हो गए। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन और क्या बना सकता है कि जीतने वाले को कितना मत प्राप्त हुआ, तो हम तो जानते हैं कि जीतने वाले को 60% प्राप्त हो रहा है, तो 70,000 का क्या निकाल दीजिए, 60%, तो 70,000 गुणे 60/100 कर दीजिए, 20 से 20 काट दीजिए, 42, यानी 42, और उसके बाद 30 यहाँ पे लगा दीजिए, तो 42,000 कितना किसको प्राप्त हुआ, जीतने वाले को। अगर यहीं पे एक क्वेश्चन और बना देता कि हारने वाले को कितना प्राप्त हुआ, तो हम तो जानते हैं कि हारने वाले को 40% प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये नहीं जानते हैं भैया कि यहाँ पे कितना मत प्राप्त हो रहा है। तो एक बार फिर क्या करिए, 70,000 का 40% निकाल दीजिए, तो जब 70,000 का 40% निकालेंगे तो 70,000 × 40/100, हमेशा 100 से भाग देंगे परसेंट में निकालने के लिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब 7 × 4 = 28, यहां पे 28 आया, लेकिन 1, 2, 3 0 है, तो 28,000 किसको प्राप्त हुआ, हारने वाले को। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यही आपके अभी 70,000 निकल के आएगा, अगर इन दोनों का हम अंतर करेंगे तो यही 14,000 निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए इसी तरीके से हल करेंगे, और इसमें देखिए तीन तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। अगर टोटल की बात किया तो आप यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, इतने में ही आपका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर जीतने वाले की बात किया तो आप टोटल का जीतने वाला जितना परसेंट पाया उतना निकाल दीजिएगा, तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अगर हारने वाले की बात किया तो जो हारने वाला परसेंट पाया है टोटल ओड का उतना परसेंट निकाल दीजिएगा, हारने वाले का आ जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन हम और करवाते हैं, अभी देखिए सारा मामला क्लियर हो जाएगा। अब आइए एक क्वेश्चन की और बात करते हैं, ये भी देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों का 40% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 298 मतों से चुनाव हार गया। यानी देखिए ये क्या कह रहा है कि 298 मतों से चुनाव हार गया, कुल मतों की संख्या होगी, क्वेश्चन यही है, कुल मतों की संख्या होगी, लेकिन अब की बार चुनाव हार गया, किसकी बात कर रहा है, चुनाव हारने की बात कर रहा है। तो देखिए इसमें करना क्या होगा, चुनाव जीतेगा या फिर हारेगा, आपका लगाने का तरीका वही होगा, यानी किस तरीके से लगाएंगे, जैसे हमने पहला क्वेश्चन लगाया था 100% हम मान लेते हैं, और 100% में जीतने वाला प्रत्याशी कितना परसेंट प्राप्त कर रहा है, यानी हारने वाला पहला दिया तो हारने वाला कितना प्राप्त कर रहा है, 40%, तो जीतने वाला कितना प्राप्त करेगा, कितना प्राप्त करेगा, 60%। अब देखिए यहां पर 298 मतों से हार रहा है, तो यहां पे कितना ये परसेंट यहां पे कम पा रहा है, कितना परसेंट, 20%, तो 20% बराबर 298 कर दीजिए, यानी कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, तो 298/20 गुणे 100, 20×5 = 100 कर दीजिए, और 5 का गुणा इसमें कर दीजिए, 5×8 = 40 के 0, 5×9 = 45, और 4×4 = 50, और 5×2 = 10, और 4×14, यानी कुल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी, 1490 आ जाएगी। तो अगर चुनाव पे आधारित क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए कंडीशन और बनाता है एक टाइप का क्वेश्चन, इसमें अवैध मतों यानी इतने परसेंट अवैध मत होते हैं, तो देखिए जब अवैध मत की बात करेगा तो यहाँ पे देखिए अवैध मत का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि वो वोट आपके गिने ही नहीं जाते हैं, तो जब गिने नहीं जाते हैं तो उसका परसेंट आप क्या करेंगे, अगर जितने परसेंट अवैध मत रहेंगे उतना परसेंट इसमें से पहले घटा दीजिएगा,
उसके बाद आप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करिएगा। लेकिन आपकी यूपी टेट एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखिए अवैध मत पे नहीं पूछा गया है, इसी टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो इसको आप पढ़िए। ये तरीका आपका लगाने का है। एक क्वेश्चन की अगले टाइप की हम बात करते हैं और आइए देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की। अब आइए इस टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की। ये भी देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में देखिए आ सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन को एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन लिखा क्या, कह रहा किसी परीक्षा में 34% परीक्षार्थी गणित में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में फेल हुए, यदि 80% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हों तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत था। देखिए बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। सबसे पहले आप एक चीज तो जानते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसमें दो ही चीज आपको दिया रहता है, एक फेल परसेंट की बात करता है और एक पास परसेंट की बात करता है। तो क्यों ना हम पहले फेल और पास ही लिख लेते हैं। हमने क्या लिख दिया, फेल पास लिख दिया। अब यहां पे हम लिख देते हैं फेल। अब एक एक लाइन आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए। अब कह रहा किसी परीक्षा में 34% परीक्षार्थी गणित में फेल हुए, यानी 34% आपके गणित में फेल हुए, तो फेल के नीचे हम लिख दिया 34%। अब टोटल आप जानते हैं कि 100% होता है, तो 34% जब फेल हुए तो कितने परसेंट पास होंगे, यानी 66% आपके क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो दोनों जोड़ देंगे तो 100% बन जाएंगे। फिर 42% अंग्रेजी में यानी गणित में आपके हो गए ये दोनों, उसके बाद अंग्रेजी की बात कर रहा है तो अंग्रेजी में 42% फेल हो रहे हैं, तो फेल के नीचे हमने 42 लिख दिया और पास के नीचे कितना लिखेंगे, 58%, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100% आपका हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि 80% दोनों विषयों में पास हुए, यानी दोनों में क्या हुए, 80% पास हुए, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 80% पास हुए हैं दोनों में, तो कितने परसेंट फेल होंगे, 20% क्या होंगे, फेल होंगे। अब आपसे क्वेश्चन क्या बनाया कि दोनों विषयों में पास हुए हो तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत था, यानी फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत था, ये क्वेश्चन आपका बनाया। तो क्वेश्चन देखिए हमने जितना दिया था ऐसे आप पहले लिख दीजिएगा, इसका बहुत ही इजी तरीका है। अब फेल वाला पूछ रहा है, तो जब फेल वाला पूछेगा तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा और इसमें से घटा दीजिएगा, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे ये 76 आ जाएगा, तो 76 में से जब 20 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 56%, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना आ गया, 56 आ गया। अगर आपसे पास की बात करता तो इन दोनों को जोड़ देते, यानी इन दोनों को जोड़ देते तो जोड़ने पर कितना आता, 8 × 6 = 14 और 6 × 6 = 12 = 124 आ जाता। तो 124 में से जब 80 घटाते तो आपका कितना निकल के आता, कितना निकल के आता, 44%। यानी अगर पास वाला पूछता तो हिंदी और अंग्रेजी, गणित और अंग्रेजी जोड़ देते, इसमें से दोनों में से घटा देते, आपका पास वाला निकल जाता। अगर फेल वाला पूछेगा तो आप इसको दोनों को जोड़कर इसमें से घटा देंगे तो आपका फेल वाला परसेंटेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और हम चेक कर सकते हैं कि ये आंसर सही है कि नहीं है। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आपका टोटल 100% आना चाहिए, तो 56 और अगर 44 को हम जोड़ेंगे तो आपका निकल के 100% आ जाएगा, इसलिए आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए फेल की बात करता है या फिर पास की बात करता है, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ऐसे ही हम सॉल्व कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हम और करवाते हैं, अभी देखिए सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए और कह रहा है किसी परीक्षा में 35% परीक्षार्थी गणित में फेल हुए, 45% अंग्रेजी में फेल हुए, यदि 20% दोनों विषयों में फेल हुए हों तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो सबसे पहले हम पास और फेल लिख देते हैं, जो जो आपका दिया वहां वहां पे रख दीजिए। 35% गणित में फेल हो रहे हैं, तो जब 35 फेल हो रहे हैं तो आपके कितने पास होंगे, यानी 65% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। फिर कह रहा 45% अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, तो 45 जब फेल हो रहे हैं तो 55% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। फिर दोनों में 20% फेल हो रहे हैं, तो 20% जब आपके फेल हो रहे हैं तो 80% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन क्या बनाया है कि
इतना तो क्वेश्चन में दिया था, इतना हमने रख दिया। अब क्वेश्चन बना है कि दोनों विषयों में फेल हुए हो तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत था, दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत था। तो दोनों विषय में, एक में तो 65 पास हो रहा है, एक में 55, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 65 और 55 जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। इसके बाद इसमें से घटा दीजिए क्योंकि ये आपका दोनों का था, तो 120 में से जब 80 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 40%। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन से अब आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फेल पूछता तो आप क्या करते, 65 और 45 और 35 जोड़ देते, आपका 80 आ जाता, 80 में से 20 घटा देते, कितना आ जाता, 60%। यही दो क्वेश्चन इस पे देखिए बनाता है और हमेशा बनाता है। तो इस क्वेश्चन से अब आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही इजी तरीका हमने आपको बता दिया। इस पे जाइएगा, प्रेस्टिक करिएगा तो अच्छे से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे। देखिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।